झाबुआ से हमारे साथ संवाददाता राजेश डामर। झाबुआ महिला मोर्चा ने अजय सिंह के कृत्य को लेकर निकाला मौन जुलूस। महिला मोर्चा ने झाबुआ की सड़कों पर जताया अजय सिंह के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र कांग्रेस नेता अजय सिंह के द्वारा अपनी माँ श्रीमती सरोज सिंह को घर से बेदखल करने तथा उन्हें घर में प्रवेश नहीं देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती आरती भानुप्रिया के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने स्थानीय बस स्टैंड सरोजबाड़ा चौक तक अजय सिंह के कृत्यों के विरोध में मौन रैली निकाली। महिलाएं अपने हाथों में तख्तियां लिए अजय सिंह तुम शर्म करो हर माँ के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में आदि नारों के माध्यम से विरोध जताया। मौन जुलूस राजबाड़ा चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। महिला मोर्चा की महिलाओं को संबोधित करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष मनोहर सेठिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के 10 वर्ष से अधिक तक मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह के पुत्र एवं वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा अपनी स्वयं की वृद्धा माँ श्रीमती सरोज सिंह को घर से बेदखल करने तथा उन्हें घर में प्रवेश नहीं देने का कृत्य अत्यंत ही शर्मनाक है। श्री सेठिया ने कहा कि अजय सिंह के इस कृत्य को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर कांग्रेस पार्टी के इस कारनामे को घर न घर पहुँचाने का संकल्प महिला मोर्चा ने उठाया है एवं जन जागृति की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने अपनी जिसने उसे जन्म दिया है उस माँ को घर से बाहर निकाला है। मैं मीडिया के भाई भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप मेरी बात पहुँचा सको तो उन तक जरूर पहुँचाना। ये महिला है सिर्फ ये विधानसभा झाबुआ की महिला है। अगर अजय सिंह जी अपनी माँ को अधिकार नहीं देंगे तो मैं पूरे 50,000 महिलाओं के साथ में यही झाबुआ राज करने लगे। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उस नेता ने ऐसा कृत्य किया है और उस कृत्य पर पूरे प्रदेश की आयोजित हुआ था, आज जिला स्तर पर हुआ है। निश्चित रूप से ये घोर निंदनीय कृत्य अजय सिंह जी ने किया है और ये कांग्रेस की मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह जी, जिनकी पत्नी सरोज जी, उनके पुत्र अजय सिंह जी ने अपनी ही माँ को घर से बाहर कर दिया है। आज वो माँ न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही है, जिसको लेके मध्य प्रदेश की पूरी महिला मोर्चा ने आज जिले में हमने पूरी अच्छी संख्या में ये प्रदर्शन धरना प्रदर्शन किया है कि अजय सिंह जी आप अपनी माँ को घर में लो, नहीं तो आज हम सिर्फ एक विधानसभा से महिलाओं ने धरना दिया है, कल हम पूरी झाबुआ करेगी क्योंकि माँ लड़ाई सिर्फ। मध्य प्रदेश के देवास से हमारे साथ संवाददाता अनिल उपाध्याय। रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा का वाहन नेमावर पुलिस ने रोका। वहीं विधायक पत्नी नीलम मिश्रा ने खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर लगाया था पति का एनकाउंटर करने का आरोप। मंगलवार सुबह हरदा जिले की हांडिया और देवास जिले की नेमावर पुलिस को संदिग्ध वाहन निकलने की सूचना मिली थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें थाने में बिठाया। करीब एक घंटे बाद पुलिस ने उन्हें गलती से पकड़ने के बाद छोड़ दिया, जिसके बाद वे इंदौर की ओर रवाना हुए। रीवा जिले से पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने कहा कि खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ रीवा और सिमरिया में अवैध उत्खनन को लेकर विरोध किया गया। अवैध खनन पर उन्होंने पूरा रीवा सिमरिया बेच डाला। मंत्री के अवैध कार्यों का विरोध किया गया, इसके चलते उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा वे पुलिस एनकाउंटर भी करवा सकते हैं। इस मामले को लेकर मंगलवार को विधानसभा में खासा हंगामा भी हुआ। उल्लेखनीय है कि रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा में अभय मिश्र की पत्नी नीलम मिश्रा विधायक हैं। अभी हाल ही में अभय मिशन पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज ही हरदा की ओर से इंदौर की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान हरदा एवं देवास पुलिस को एक संदिग्ध वाहन होने की सूचना मिली। सूचना पर हरदा एवं देवास जिले के नेमावर पुलिस ने उक्त वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा एवं कुछ देर बाद छोड़ दिया। उक्त वाहन में अभय मिश्रा भी सवार थे। उनके पति को भी रोका गया था, क्यों रोका गया था? ये सिर्फ सूचना मिली थी कि संदिग्ध वाहन जा रहा है, ये हंडिया पुलिस को सूचना मिली थी, हंडिया पुलिस ने लिया। सर तो कौन लोग पाए गए इसमें और क्या आपने अभी उनसे क्या पूछताछ की सर? ये तो रीवा तरफ के रहने वाले हैं। कौन थे सर ये रीवा से जो निकल? सर पूछताछ में क्या पाया गया अभी? जानकारी मिली थी। सर आप तक कैसे आए लोग? वो हंडिया पुलिस ही लेके आई थी।
तक तो ये जो निकले ये कौन थे, इनका नाम क्या था? और कहाँ जा रहे थे सर? रिवा के रहने वाले हैं, मऊ जाने का बता रहे हैं। सर इनका नाम बताइए, नाम कौन थे ये चार लोग जो थे? अजय मिश्रा करके हैं उनके साथ दो तीन लोग और। अभी सर इनको छोड़ दिया गया पूछताछ? एक मिनट जी, मैं रीवा जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, पूर्व विधायक हूँ जी, और मैं आया, मुझे नहीं समझ में आया कि यहाँ की पुलिस ने क्यों रोका। अच्छा। और मुझे पुलिस ने रोका, अंदर ले गई। हाँ। बैठाई और इसके बाद बोली कि गलती से हमने रोक लिया था, आप जा सकते हैं। अभी आपकी जो पत्नी है विधायक है नीलम मिश्रा, उनका आरोप है कि राजेंद्र जो मंत्री राजेंद्र शुक्ला, उनको आपके ऊपर जानलेवा हमला करा सकते हैं, आपके पूरे परिवार को खतरा है, क्या कहें? इससे काउंटर करा सकते हैं, इस बात का खतरा है। क्यों खतरा है आपको, किस बात को लेकर खतरा है आपको? इस समय जो देश के अंदर दमन वाली आवाज़ उठाने की, हमारे यहाँ 6 आदिवासियों की हत्याएं हुई जी, उसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, 2 रुपये नहीं मिले, और बदले में ये कि जो भी आवाज़ उठाएगा उन सबको अंदर करो। अवैध खनन को लेकर तो ये पूरा मामला नहीं है कहीं ना कहीं, ये अवैध उत्खनन, राजेंद्र शुक्ला के अवैध उत्खनन और उनका जो बालू का धंधा और पूरा रीवा संदरिया को बेच दिया, उसका जो विरोध किया गया उससे उठा हुआ ये मामला है। अभी आप कहाँ जा रहे थे? अभी हम जा रहे थे इंदौर। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हम आ रहे हैं बैतूल से।